बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्नेकर किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी बीफ बिरयानी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है, प्याज चाहिए हमें 3 अदद, अदरक चाहिए हमें 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें 3 से 4 चम्मच, टमाटर चमड़े चाहिए हमें बड़े साइज के 4 अदद, गोश्त हमारे पास है बड़ा गोश्त हमारे पास 2 कप है यानी कि आधा किलो के करीब है। कुटी हुई दरड़ी हुई मिर्च, सुर्ख मिर्च है, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक है हमारे पास, हमारे पास हल्दी है, यहाँ पे हमारे पास साबुत गरम मसाला है, हमारे पास जर्दा जर्दे का कलर है, कुकिंग ऑयल है 1 कप, तो 4 ग्लास हमारे पास चावल है, किलो हमारे पास चावल है जो मैंने धो के ऊपर धो दिया है और पानी मैंने चुने के ऊपर चढ़ा दिए है उबलने के लिए, जिसमें मैं 4 डालूंगी नमक के 8 चम्मच छोटे वाले जो हमारे अक्सर डिब्बों में होते हैं नमक मिर्च वाले, जिन 3 स्पून क्या है वो मैं डालूंगी। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, नमक पैस में करूंगी ऐड, 7 से 8 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया, पानी मैंने रख दिया बॉयल होने को। जब तक हमारा पानी बॉयल होता है तो हम मसाला तैयार कर लेते हैं। प्याज मैंने दी है डाल और डालेंगे ऑयल और चलेंगे चूल्हे की तरफ। प्याज हमारा फ्राई होना शुरू हो गया है, जो ये गोल्डन ब्राउन होगा तो फिर हम आगे दूसरी चीजें ऐड करेंगे। तकरीबन हो चुकी है ब्राउन, थोड़ा सा बस और ब्राउन करेंगे और गोश्त ऐड करेंगे, थोड़ा सा प्याज हम इसमें से निकाल देंगे और उसको बाद में चावलों के दम पे जब बिरयानी के दम लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा डालेंगे। मैंने प्याज लग कर लिए और अब हम इसमें करने जा रहे हैं गोश्त, जो कि हमारा 1/2 kg से ज्यादा था और इसको हमने पहले से बॉइल किया हुआ था। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, कुछ हरी मिर्चें जाएंगी और साथ में इमली है, 5-6 दाने आलू बुखारे के हैं, टमाटर हैं, ये सारे साथ जाएंगे और साथ में मसाले ऐड कर देंगे। और ये हमारी अब जाएगी मिर्च, नमक, गरम मसाला, हल्दी, ऑयल और अब हम इसमें डालेंगे चावल जो हमने पहले से पानी बॉयल होने पर रखा था ना, ऐड करके। चाहे तो आप इसमें जीरा और बाकी मसाले भी डाल सकते हैं लेकिन अपनी अपनी मर्जी है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मसाले इसमें पसंद नहीं है। चावल बॉयल होना शुरू हो गए, तब तक हम बाकी के प्रोसेस को देख लेते हैं। वो 75% कुक करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, स्टेन कर देंगे। थोड़े से हमारे पानी को सॉफ्ट हो गए थे, अब हमने इसमें करनी है आलू ऐड और आपको थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट के लिए लगा देंगे गैस ताकि मसाले अच्छे से बिल्कुल एक जार हो जाए, उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। लुक देखिए इसकी तरह, और खुशबू है, खड़े नहीं हुआ जा रहा है, इतनी खुशबू है मसाले की और बिरयानी की, बहुत मजे की खुशबू आ रही है अभी से। अभी 4 से 5 मिनट गुजरते हैं और हम इसमें जो है करेंगे दही ऐड, हमने लगाया ढक्कन और 4 से 5 मिनट वेट करेंगे। हमारे और मसाला हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इस जगह पे आके इतने से जब भुनने के बाद हम थोड़ा सा जो है ना इसमें फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे दही, जो कि हमारा 1.5 कप के करीब है, और फिर मजीद भुनेंगे। फिर हमने जो था इसमें दही ऐड किया था, इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा इसको भुनने के बाद ढक्कन लगा देंगे ताकि इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए और आलू हमारे अच्छे से पक जाए, गोश्त हमारा पहले से भुना हुआ है, ड्राया हुआ अच्छी तरह से। चावल हो गए हैं बॉयल, हम इनको स्ट्रेन करके लाते हैं। मसाला माशाल्लाह से हमारा हो गया है रेडी और अब चावल भी हो गया बॉयल, तो हम इसको तेल लगाते हैं। दम लगाने लगे हैं चावलों की तैप छा ली हमने और गोश्त मसाला डालेंगे, अच्छे से मसाला मिला के डालें ताकि हमारे चावलों में टेस्ट और खुशबू अच्छे से रच बस जाए और ऐसे मजे की हो जाए जैसे एक ही फैमिली है। अच्छा
थोड़ा सा डाल दिया चाहिए बाकी के चावल, बाकी का बचा बचा दिया और ब्राउन की हुई प्याज, और ऊपर में डालेंगे थोड़ा सा लीमू कटा हुआ, और उसके बाद डालेंगे जर्दा रंग, अब हम इसको कैप लगा देंगे और दम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। हमने लगा दिया है और 15 से 20 मिनट के बाद मिलते हैं हम। रेडी हो गया हमारी बिरयानी और चूल्हा कर दिया है हमने बंद। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। अभी डिश आउट करते हैं। बिरयानी हमने डिश आउट कर दी है और अब हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी बिरयानी कितनी मजेदार थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मजेदार सी चटपटी बीफ बिरयानी रेडी है और करते हैं हम इसको टेस्ट और भी ड्राइफे के साथ। मजे की चटपटी बीफ बिरयानी रेडी हुई है। जल्दी हम दुआ में याद रखेगा, आप इधर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने भक्तों का रहेगा इंतजार।